हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बरसात के लिए हेयर डाई लेकर के आई हूँ। जो बरसात में एक्चुअली बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं बरसात में और पसीना बहुत आता है, तो जो आपकी डाई होती है वो बहुत जल्दी से निकल जाती है। और इसके लिए अब इस बार जो मैं डाई लेकर के आई हूँ स्पेशली बरसात के लिए है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो इसको कैसे रेडी करना है मैं आपको ये बता देती हूँ। इसमें देखिए, जो मैंने सामान लिया है ये आपको मैं बता देती हूँ। ये मैंने जो एक मुट्ठी के करीब मैंने कड़ी पत्ता लिया है, क्योंकि कड़ी पत्ता बालों को गिरने से बहुत बचाता है, बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। और ये मैंने एलोवेरा का पत्ता पूरा थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीस किए हैं, क्योंकि मैंने इसका जेल नहीं निकाला है, क्योंकि मुझे इसे बहुत अच्छे से बॉयल करना है और इसको बॉयल करने के बाद उसको अच्छे से मैश भी करना है, तो और फिर इसके बाद इसको मुझे छानना है। तो इसीलिए मैंने मोटे मोटे पत्ते ही ऐसे रख लिए हैं। और ये मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब आंवला पाउडर, और ये मैंने लिया है मेथी और कलौंजी का पाउडर। तो मुझे क्या करना है, इन सबको इस पानी में बॉईल करना है। तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 ढाई गिलास के करीब पानी लिया है, तो ये जब आधा गिलास रह जाएगा तब मुझे इसको तब तक पकाना है, और इसका पूरा अच्छे से निकल जाएगा ये जो इसके अंदर जो चीजें होती हैं पानी के। और ये देखिए, इसका जो कड़ा टाइप का बन जाएगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें 1 चम्मच के करीब डालूंगी मेथी और कलौंजी का पाउडर। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, बालों को गिरने से भी बचाता है और बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। और ये मैंने 1 चम्मच के करीब लिया आंवला पाउडर। अब इसको मैं, ये देखिए, मैंने 2 चम्मच के, ये पूरा मतलब 2.5 गिलास के करीब पानी है, सिर्फ आधा गिलास छोड़ना है, तब तक मुझे इसे बॉयल करना है। और इसको बॉयल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए, जैसा मैंने ये ठंडा कर लिया है, तो ठंडा करने के बाद अभी इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है इसमें कटोरी में। देखिए, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। इसको एलोवेरा जेल आपको लेना है, ये थोड़ा मोटा आ गया, इसको मोटे मोटे को निकाल दीजिए आप, बाकी इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए, मिक्स हो गया अच्छे से ये। ये देखिए, अभी आपको क्या करना है, अभी जैसे ये ठंडा हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है एलोवेरा जेल। अब इसको क्या करना है आपको, थोड़ा सा ऐसे, जैसे कि आप, या तो आप इसे स्प्रे बोतल में भर करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा इसमें हाथ में लगाना है और आपको बालों में ऐसे से रूट्स में मसाज करनी है। और ये आपको नहाने से 1 घंटा पहले, बाल धोने से 1 घंटा पहले, या रात को सोते टाइम आपको करना है। और इसको पूरा, ये सूख जाता है क्योंकि ये पानी है और जेल है, जेल भी एकदम सूख जाता है। कोई अगर ऑयली चीज होती है और उसमें अगर ऑयल डाल के करते हो तो थोड़ा सा देर तक गीला रहता है, अदरवाइज ये सूख जाता है। तो इसको क्या करना है, आपको हाथ में थोड़ा लेना है और आपको हाथ को ऐसे ऐसे मलना है और आपको बालों में एकदम लगाना है और रूट्स में ऐसे ऐसे करके मसाज करनी है और पूरे बालों में लंबे लंबे तक करना है। तो इससे क्या होगा, आपको डाई का काम भी करेगा ये, क्योंकि इसमें मैंने जो चीजें डाली है वो बालों को काला तो करती है, साथ में आपके बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करती है, आपका डाई का काम करती है। और आपको मेहंदी लगाने का भी झंझट खत्म। आप मेहंदी जैसे लगाते हो तो मेहंदी की कोई जरूरत नहीं है, आपको कलर लगाते हो, क्योंकि कलर तो आपको इंस्टेंट बालों को ब्लैक बनाता है लेकिन आपके बालों को व्हाइट भी बहुत जल्दी करता है, ये भी सच बात है। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा रूट्स में लगाना है लंबे लंबे बालों में। और आप इसको चाहे तो आप जितनी बार भी बाल धोते हो उतनी बार लगा सकते हो, क्योंकि ये आपके बालों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। इसमें एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को की बहुत सारी 99% प्रॉब्लम को ये खत्म करता है। एलोवेरा जेल स्किन के लिए, बालों के लिए सब, और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको खाने में भी ये बहुत काम आता है, इसके लड्डू बनाए जाते हैं एलोवेरा जेल, आपका जो एलोवेरा होता है जूस वो पीने के काम आता है, तो आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत सारी खत्म हो जाती है। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, बालों में कंडीशनर का काम करता है और बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है। अगर आप जैसे मैंने लिया है, देखिए अभी मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल निकाला है, तो रात को अगर सोने के टाइम में या दिन में भी आप इसे लगा सकते हो तो स्किन एकदम टाइट रहती है और बहुत ग्लो करती है। तो इसको क्या है, ये स्किन के लिए, बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो आप इसको छोटे बच्चे को भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है, छोटे बच्चे मतलब इन द सेंस 10 से 8-10 साल के बच्चे भी हैं, अगर लड़कियां हैं जैसे स्कूल जाती हैं छोटी, तो वो क्या होता है उनके भी बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप इतने छोटे को बाल धोने से पहले 1 घंटा पहले पूरे बालों में लगा करके उसको मसाज कर दीजिए, और उसके बाद शैम्पू कर दीजिए, तो बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आजकल
छोटे बच्चों के बाल भी बहुत ज्यादा गिरते हैं और बहुत सारी माएं परेशान रहती हैं कि मम्मियाँ की बच्चों के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो उनमें क्या करें, क्योंकि उनको तो कुछ चीज लगा नहीं सकते ऐसी, या तो ऑयल आपको लगाना पड़ेगा या फिर आपको कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जो उनके बालों की बाल गिरने बंद हो जाएं, तो ये सबसे अच्छा है। क्योंकि आंवला शिकाकाई तो शुरू से ही लगाते हैं सब लोग बच्चों को, तो खैर क्योंकि आजकल क्या है लोगों को बहुत मेहनत करने वाली चीज को बनाने में ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं शैम्पू लाते हैं बालों में कर देते हैं, तो उससे इसीलिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप नेचुरल चीजें यूज करते हो तो आपकी आने वाले टाइम में, जैसे कि आप अगर कम एज में ही आंवला शिकाकाई बच्चों को यूज करते हो तो उससे क्या होगा, उनके बाल जल्दी से व्हाइट नहीं होंगे और जल्दी से वो उनके बाल इतनी जल्दी गिरेंगे भी नहीं। तो ये सब चीजें शुरू से ही आपको यूज करनी पड़ती हैं। पर अगर जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अब उनको दिक्कत होती है, बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, ऑयल अगर लगा के भेजते हो तो कॉलर्स गंदे हो जाते हैं कपड़ों के, तो उसकी वजह से ऑयलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक सैटरडे संडे का दिन बचता है संडे का, तो उसी दिन ऑयल लगाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर उसमें क्या है कि अगर आप जब भी हेयर वॉश करते हैं स्कूल जाने के टाइम में भी थोड़ी देर पहले इसकी मसाज कर लीजिए और हेयर वॉश कर दीजिए, तो उससे क्या होगा बाल गिरने भी बंद होंगे, बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, तो बाल बहुत ही ज्यादा आपके सुंदर भी हो जाएंगे। तो इसको आप किसी भी एज में यूज कर सकते हो। बस इसमें ये याद रखना है कि इस पानी में आपको एलोवेरा जेल मिलाना है, एलोवेरा जेल से ही आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर खाली एलोवेरा जेल लगाते हो तो वो क्या होता है सॉफ्ट तो हो जाते हैं बाल, लेकिन इसमें मैंने जो आंवला शिकाकाई और मेथी और कलौंजी का जो मैंने इसमें जो डाल करके उसको बॉयल किया है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑयल में भी मिलती हैं और साथ में इसमें भी मिल जाती हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।